वालेकुम भाई, एक प्लेट कचौरी लगा दे रहे हैं। आपको अंदाजा हो गया अच्छे के, हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही अल्लाह पर भेज। के मैं नौकरी करता था पहले पंच रोड में, तो वहाँ से अल्लाह ताला शादी हुई हुई थी मेरी, तो बच्ची हुई थी, तीन बेटियाँ हुई थी, मतलब तीसरी जब बेटी हुई थी तो उसमें मैंने अल्लाह से ये दुआ करी कि कारोबार अपना मिल जाए, छोटा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कारोबार मिल जाए बस। अल्लाह आपने बेटियाँ दे दी हैं, अब इनको कोई वसीला दे दें, सही है। फिर वो वसीला क्या हुआ, नौकरी तीन चार दिन बाद, नहीं पाँच दिन बाद कुछ ऐसी बात हुई, मैंने काम का जो है जवाब दे दिया पेट से, तो फिर वो दो चार दिन के बाद फिर वो थोड़ा सा मैंने ये लगाया हल्का फुल्का चला आपका, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने मेरी कमी, यानी कि बेटी की तरफ से मैंने कारोबार मांगा, मुझे भूल गया भैया। आज सारी बलो उसी की है, सारा कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी का नाम पे आया है, सारा सिस्टम जो है वही है। 50 साल पहले से और ये होता है कि कुदरती बात होती है कि अल्लाह पाक जायका डालता है, इंसान का कुछ नहीं होता, मैं कुदरत का निजाम है, अल्लाह ने मैं एक चीज़ दी हुई है, हमारा कुछ नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है बस, कि मैं बोलूँ मेरे में क्वालिटी है कुछ भी नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से है बस। ये जोड़िया बाजार से आता है और सब्जी वगैरह जो आती है वो ली मार्केट से आ जाती है मंडी से, और बाकी जो सामान जो हल्का फुल्का जैसे खरीदना पड़ता है, कीमा जैसे कि चिकन, चिकन सामने दुकान है ऐसे मिल जाती है, कीमा जो है वो फ़ोन करते थे वो आ जाता है। ये हाथ आपका फर्क होता है, आपको जैसे कि आपने ये भाई बनाएंगे इसका अलहदा टेस्ट होगा, उस भाई का अलहदा टेस्ट होगा, हमारे हाथ में अलहदा टेस्ट जी, जो हमारे हाथ में टेस्ट है वो हमारे बुजुर्गों को दिया गया। ये तो काफ़ी पुराना हमारा स्टॉल, ये वाले साहब के टाइम से, वाले साहब पे स्टॉल था, ठीक था उस टाइम, इस जगह पे ठिया लगा देते वो, हाँ अब वाले साथ के हम आ गए, जब उन्होंने तब्दील कर दिया, रिक्शा अच्छा लिया, उसके बाद सेटअप करा हमने। कचौरी में दाल होती है, चने की दाल होती है पीसी हुई, हाँ, और साथ में चने का सालन होता है, आलू का सालन होता है, अचार और रायता होता है। अच्छा मिलता है, काफ़ी कस्टमर दूर दूर से आते हैं, सुनते हुए आते हैं हमारे स्पेशल। दाल चने की डलती है, इसमें मैदा तेल और पानी में गूंदा जाता है इसका, जैसे रोटी घर का जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरह से, इसी क्या छोटी छोटी बोल बनाएंगे, उसमें फिर दाल जो ग्राइंड करके पीस के मतलब बॉयल करके वो दाल उसके अंदर रखेंगे और उसको टाइम दे देंगे 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद बना देंगे।
सबसे ज्यादा ईमानदारी की बात है सारी, यानी कि कोई मिलावट नहीं है किसी चीज में ना, कोई धोखा नहीं है, कोई हर रोड नहीं मिलाते तरकारी में, तरकारी सिर्फ आलू की बनती है, आलू की बनाते मसाले डाल के देते, बाकी जो है वो बाकी अल्लाह की बच्चियों की दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है पांच बेटियां चल रहा है। सर इसको हो गया माशाल्लाह से 10 से 15 साल हो गए निकलना एरिया में, मदीना प्लेजेंट के सामने लगता है ये टोला, और माशाल्लाह बेहतरीन कैसे इस एरिया में मशहूर है ये मशीक सेंटर है सर, ये मेन उर्दू बाजार है सदर। अच्छा, मेन उर्दू बाजार सदर कराची। पचास साल हो गए हमारी रिहाइश में, यही छोटे बड़े यही हुए। अच्छा सही, कौन कौन सॉरी हमारे को जो अल्लाह का शुक्र है आलम शाह बाबा की दुआ है, आलम से जामा कर दरगाह ना, उनकी दुआ से हम चल रहे हैं, बाकी हमारे बाप की मेहनत है ये, बस मेहनत बाप की है, दुआ आलम शाह बाबा की है, हमारे माँ बाप की दुआ है।